नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम बात कर रहे हैं 10th क्लास की एक मैथमेटिक्स के नए पेपर की, क्योंकि दोस्तों 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में जब हम पढ़ते हैं फिर डर अजीब सा सताता है। तो 10th क्लास के बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। देखिए, एक तो प्रश्न बनता है हमारे पास, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न, हम प्रायिकता सवाल की बात कर रहे हैं। प्रायिकता से मैं बात कर रहा हूँ, प्रायिकता के अंदर पहला प्रश्न मैं आपके लिए देता हूँ कि एक 3 नीले 2 सफेद 4 जो लाल रंग के मार्बल के कांचे बने हुए हैं, या कांचे हैं जो अपने यथेच्छित गति में निकालने पर से कौन सा निकलेगा, या नीला निकलने की प्रायिकता क्या होगी, या लाल निकलने की प्रायिकता क्या होगी। ये प्रायिकता वाले जितने के सवाल है ना, एक बार आप अच्छे ढंग से तैयार करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रायिकता 3 या 4 नंबर की आती है, 4 नंबर आती है, अंक बार 4 है इसका। और 4 नंबर की अगर प्रायिकता बहुत ईजी वे में अपने को मिल जाती है तो ये कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है हमारे लिए, और बहुत ही अच्छा है। एक बार प्रायिकता वाले सारा सवाल करें। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है ताश की गड्डी का। देखिए, ताश की गड्डी का जो 52 पत्तों वाला जो खेल है, इसमें आप ध्यान रखना 4 टुकड़े होते हैं, हम अच्छे डर जानते भी हैं, 2 तो कालों के लिए होते हैं और 2 होते हैं हमारे लाल के लिए। तो इसमें से ताश की गड्डी में से एक ताश निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वो एक इक्का होगा। ये तो मैं एक मॉडल पे बता रहा हूँ, हो सकता है वो पूछ ले क्या प्रायिकता होगी एक बादशाह होगा, क्या प्रायिकता होगी एक बेगम होगा, ये पूछने पर डिपेंड है। तो आप एक बार इसको अच्छे ढंग से पढ़ें ना। इसी प्रकार से एक लीप ईयर का यादृच्छिक चुनाव करने पर 53 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो, लीप ईयर बोला है तो 366 दिन हो जाएंगे, और उसके आधार पर आपको ज्ञात करना है। 52 तो अपने पास में सप्ताह हो जाएंगे, और अपने पास में बच गया 366 में 52 तो सप्ताह हो गए, 53वां सप्ताह कर रहा है, यानी 2-2 दिन का जोड़ा बनाना है, उसके आधार पर आप ज्ञात कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक पीवी वाला प्रश्न आएगा, पीई वाला इज इक्वल टू 1 माइनस, है ना, पीई वाला। ये वाला जो क्वेश्चन है हमेशा बनता है, बैठता है इस पे प्रश्न, आप मजाक बना दें इस प्रश्न को कभी भी, क्योंकि लगभग 8वें नंबर पे ये प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, और अच्छा भी प्रश्न है काफी। इसमें से आपको 0.95 दे दिया तो आप एक में से इसको घटा के आंसर ले आएंगे, वैसे मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप बड़े आसान से कर पाएंगे। अच्छा, सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ये भी आप आसान से कर पाएंगे। और सांख्यिकी वाला जो प्रश्न है, सांख्यिकी में से आप एक बार मैं मॉडल पेपर आपके सामने शो करूंगा पूरा का पूरा, तो उसमें से आप देखिए, सांख्यिकी वाला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि यदि कक्षा के अंदर 10 विद्यार्थी हैं जिनके प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो, तो समांतरवादी क्या कीजिए, उत्तर 52 आएंगे। समांतरवाद सभी को जोड़ करके आपको कुल संख्याओं का भाग देना है। 5 संख्याओं का औसत अगर 18 है और उसमें से एक संख्या हटा दी जाए तो 16 हो जाता है। देखो, औसत की बात कर रहा है तो 5 का तो संख्या का औसत कितना बोल रहा है 18, और अगर 4 होगा तो कितना हो गया 16, इनका इनका गुणा कर लीजिए, जो भी आंसर आए उसको इसमें से घटा लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास में, आप एक बार जरूर देख लें इसको। साथ में बारंबारता, कल्पित माध्य, बहुलक के सवाल जो है उनकी मैं पूरी की पूरी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो आप आराम से इसको एक बार देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से प्रश्न आप आराम से कर सकते हो, बहुलक वाले प्रश्न में से बहुलक एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। 14 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का बड़ा सा बड़ा गोला काटना, देखिए 14 सेंटीमीटर भुजा वाला घन अपन ने घन लिया, उसमें बड़ा सा बड़ा गोला काट के निकालना, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, क्योंकि उसकी व्यास जो होगा वो भी क्या होगा 14 सेंटीमीटर ही होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। इसी प्रकार एक घन के पृष्ठ का परिमाप अगर 28 है, घन का एक पृष्ठ बोल रहा है और 28 बोल रहा है, तो यानी कि अपन समझ गए पूरा पृष्ठ का परिमाप, परिमाप मतलब साइड साइड वाला है ना, पिरामिड परिमाप जो है वो 28 है, तो इसमें आप 4 का भाग दे देंगे, 28 में कितने का भाग देंगे 4 का भाग देंगे, क्या प्राप्त होगी आपको भुजा प्राप्त होगी, और जो भुजा प्राप्त होगी उससे आप क्या निकाल लेंगे, इसका पूरा पूरा आयतन निकालना है, या जो भी उसने बोला है आयतन बोला तो आयतन बोला निकाल पाएंगे आप, ये भी आप कर लेंगे। इसी प्रकार यदि एक अर्ध गोलाकार संपूर्ण पृष्ठ, बस अर्ध गोलाकार बोल दिया, अर्ध गोलाकार फॉर्मूला लगा के 48 पाई से अपन मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। एक बार इस पूरे पेपर को मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही प्रश्न को मैं बोल के समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और जो सारे पेपर हैं मैं आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, तो एक बार आप तसल्ली से इस पूरे पेपर को पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई डिफिकल्टी लगती है तो मेरा नंबर है 9928544989, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको कॉल करने का जो समय है शाम को 5 से 6 रहेगा, इसी दौरान मैं फ्री हूँ, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, और इन पेपर अगर आपको डिबेट करनी है या बात करनी है तो कर सकते हैं।